हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूं कि आप RPCS3 जो कि एक PS3 एमुलेटर है उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और उसमें गेम्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट से मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 के गेम प्ले की वीडियो बनाई थी तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे टेलीग्राम पर कि किस तरीके से जो है वो हम इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दी जाए 2024 में, आपको जो है क्लियरली यहाँ पर समझा दिया जाए। तो आज सारी चीजें हैं तो कोई भी पार्ट यहाँ पर वीडियो का स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना यार, काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं कोई भी जो है वो आपको यहाँ पर फर्मवेयर वगैरह जो है वो नहीं बताने वाला हूँ, कहाँ से डाउनलोड करना है या फिर गेम्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसके बारे में मैं कोई भी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये गाइडलाइंस के यहाँ पर खिलाफ है यूट्यूब के। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं बता पाऊंगा क्या क्या आपको आगे करना है। तो जो बेसिक स्टेप है सिर्फ सेटअप करके यहां दिखाने वाला हूं, यहां पर मैं कुछ भी आपको बताने नहीं वाला हूं कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो अब यार क्वेश्चन मत करना कमेंट्स में कि डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। गूगल क्रोम में आपको डालना है RPCS3, एक प्ले स्टेशन एमुलेटर है ये। इसको सिंपली आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो इस तरीके से जाओगे तो यहां पर आ जाता है नो पायरेसी, तो ये चैनल भी पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता है और RPCS3 भी पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां पर ओपन सोर्स प्ले स्टेशन 3 एमुलेटर है, आपको इस तरीके से क्या करना है, यहां पर डाउनलोड पे चले जाना है। जैसे आप डाउनलोड पे चले जाओगे थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहां पर आपको जो है वो विंडोज, अगर आपके पास विंडोज है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है और मैक ओएस के लिए भी यहां पर अवेलेबल है। फिलहाल आपको डाउनलोड करना है विंडोज वाला। ठीक है, विंडोज वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हमने तो पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ, तो हम सिंपली लोकेट कर लेते हैं कि हमने कहां पर डाउनलोड किया है। तो हमारी डायरेक्टरी देख लेते हैं, तो यहां पर हमने देख सकते हो RPCS3 का जो है एमुलेटर डाउनलोड किया। कुछ इस तरीके की zip फाइल में आपको ये देखने को मिलने वाला है, यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये zip फाइल होगी। इसको आपको क्या करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे कुछ इस तरीके का फोल्डर आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके का फोल्डर आपको RPCS3 का मिलेगा। तो यहां पर आपको जो RPCS3 है ना, इसको यहां पर ओपन कर लेना। तो मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूं। तो जैसे आपको ओपन करोगे थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिलेगी। चाहो तो डेस्कटॉप शॉर्टकट बना सकते हो, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। डार्क थीम आप चाहो तो कर सकते हो, मैं फिलहाल इसे एंटिक कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना होगा, आई हैव द रीड द क्विक स्टार्ट गाइड और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक करना है, पीछे के मैं यहाँ पर काट देता हूँ। बाकी यहाँ पर अपडेट वगैरह भी आते रहते हैं तो वो आप यहाँ पर जो अपडेट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए से अभी जो है वो काट देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहली जो चीज रहती है वो रहती है यहाँ पर फर्मवेयर को इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल फर्मवेयर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक PUP फाइल रहती है, वो यहाँ पर जो है इंस्टॉल करनी है। तो ये अपडेट फाइल जो है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके की फाइल होगी, इसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर ओपन कर देना। जैसे ओपन करोगे आपका फर्मवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पर गेम्स को ऐड। गेम्स को ऐड किस तरीके से करना है, गेम्स आपको पहले डाउनलोड कर लेना है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना, वहां पर मैं बता दूंगा, यहां पर नहीं बता पाऊंगा। फाइल पर जाना है, यहां पर आपको ऐड गेम्स पर क्लिक करना है। जैसे ऐड गेम पर क्लिक करोगे, जो भी आपने गेम किया होगा उसका फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान ली मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 है, तो गॉड ऑफ वॉर 3 को सिलेक्ट करके यहां पर सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा और ये यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा पहले से इंस्टॉल है तो मैं नहीं करने वाला हूं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आपका जो है वो लगभग 50% के आसपास का काम यहाँ पर हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर सेटिंग किस तरीके से करनी। तो आपको सिंपली कॉन्फिग में चले जाना है। कॉन्फिग में यहाँ पर जैसे ही जाओगे, आपको थोड़ा सा देख सकते हो इतना ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज आ गया। आप लोग भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या क्या यहाँ पर जो है वो आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं जो जो बताऊंगा वो आपको यहाँ पर करना है। तो ये आपका PPU डिकोडर होगा, वो आपको कह रहा है रिकम्पाइलर LLVM पर सेट करना है। ये रिंग का जो SPU डिकोडर है उसको भी यहाँ पर रिकम्पाइलर LLVM पर सेट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर SPU जो एक्सप्लोड एक्यूरेसी होगी उसे रिलैक्स पर कर देना और यहाँ पर इनेबल SPU लूप डिटेक्शन को टिक कर देना। बाकी पावर सेविंग हो है उसे जीरो पे रखना। बाकी इधर SPU ब्लॉक साइज होगा उसे यहाँ पर आपको मेगा कर देना, ऑटो सेफ होगा शायद से मेगा कर देना। ठीक है, प्रेफर्ड SPU थ्रेड्स होंगे तो जितने भी आपके थ्रेड्स होते हैं उनको आपको सेट करना है। तो फिलहाल ऑटो पर ही करना है, आपको भी करना है। थ्रेड स्टेलर का ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आपको क्लिक करके रख देना है। तो इतना सब करने के बाद आपकी CPU की जो सेटिंग्स होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं GPU पर। GPU पर आपको जरूरी है कि आपके जो लैपटॉप है या PC है उसमें वुल्कान का सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता गेम चल पाएगी। वुल्कान को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी ग्राफिक डिवाइस है अगर इंटीग्रेटेड हो उसे सेलेक्ट करना है, अगर डेडिकेटेड हो तो डेडिकेटेड को सेलेक्ट करना है। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर जो है वो रेगुलर रहेगा 16:9, बाकी कुछ डिस्प्ले 16:10 की आती है तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन होगा। फ्रेम लिमिट मैं रिकमेंड करूंगा 60 पर ही रखना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
एंटी ट्रॉपिक जो एंटीसोट्रॉपिक फिल्टर को ऑटो पे रख देना, एंटी अलाइजिंग को यहाँ पर डिसेबल कर देना, जहां तक मैंने किया है डिसेबल ही आपको रखना है, और जेड कुल यहाँ पर जेड कुल एक्यूरेसी को अप्रोक्सीमेट फास्ट पर आपको रखना है, सेडर क्वालिटी आप लो पर रखो, अगर सिस्टम हाई है तो आप हाई पर भी कर सकते हो, बाकी मैं तो लो पर ही करूंगा क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल सिस्टम यहाँ पर मेरा नहीं है। 3D यहाँ पर जो है आपको डिसेबल करके रखना है, बाकी रेजोल्यूशन यहाँ पर मैंने मेरा जो सिस्टम है वो 1920x1080p झेल सकता है, तो इसलिए मैंने 1080p किया है। रेजोल्यूशन स्केल भी आपको जो है यहाँ पर अभी डिफॉल्ट है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप 1280x720 ही करो, ज्यादा अच्छा है। रेजोल्यूशन स्केल थ्रेशोल्ड को आप 1:1 कर देना, यहाँ पर 16:16 भी हो सकता है। आउटपुट स्केलिंग मेरे ख्याल से FSR का सपोर्ट है, तो उसे एक आधा FPS यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो उसको आपको करना है। और यहाँ पर सार्वजनिक स्टेंट यहाँ पर आपके 50% जो कि डिफॉल्ट रहेगा उसे चूज करना, उसे ज्यादा मत करना। शेडर मोड में एसिंग मल्टी थ्रेडेड ही सिलेक्ट करना, बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ शेडर को ऑटो रहने देना, राइट कलर बफर्स को टिक कर देना, बाकी ये सब आपको जो बंद करके रखना है। स्ट्रेस टू डिस्प्ले एरिया जो है आपको ऑन कर देना है, और एस रिंग को इसको करके टेक्सचर स्ट्रीमिंग है इसे भी आपको जो है यहाँ पर ऑन कर देना। तो GPU की सेटिंग हो चुकी है, ऑडियो की मत छेड़ना, IO की भी मत छेड़ना, सिस्टम की मत छेड़ना, एडवांस में आ जाओ, ठीक है। इसमें आपको डेब्यू कंसोल मोड ऑन करना है, एक्यूरेट RSX रिजर्वेशन एक्सेस ऑन कर लेना, PPU नॉन जावा मोड फिक्सअप ऑन कर लेना, PPU SPU LLVM प्री कंपाइलेशन को भी ऑन कर लेना, साइलेंस और लॉक्स यहाँ पर ऑन करना, बाकी ये सब मत छेड़ना, यू स्लीप ओनली अनलिमिटेड रहने देना, बाकी इनमें भी कुछ मत छेड़ना। यहाँ पर GPU में रीड डेप्थ बफर्स, राइट डेप्थ बफर्स, रीड कलर बफर्स, ये तीन ऑन करना, बाकी मत ऑन करना। बाकी वुल्कान जो शेड्यूलर उसको सेफ पर रहने देना, RSX FIFO एक्यूरेसी एटॉमिक रहने देना, बाकी एक्सक्लूसिव फुल स्क्रीन मोड ऑटोमेटिक रहेगा, और ड्राइवर वेकअप डिले ये सब जो है वो करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये सब करोगे, इसके बाद क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। तो मैंने क्लोज कर दिया, बाकी मेरी सेटिंग पहले से ही यहाँ पर अप्लाइड थी, तो ये आपकी सेटिंग्स भी हो गई। अब आते हैं यहाँ पर कंट्रोलर की कैसे ऐड करना है, तो पैड्स पर क्लिक करोगे, तो फिलहाल मेरे पास तो कीबोर्ड है तो मैंने कीबोर्ड के सेट कर रखे, बाकी अगर आपके पास DualShock 3, 4, DualSense X इनपुट, डायरेक्ट इनपुट, जो भी नॉर्मल आपका बढ़िया वाला गेम प्ले है वो भी कर सकते हो, बाकी इसमें 250 या 300 रुपए वाला जो गेम पैड आता है वो भी वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, आपको उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है, बाकी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कीबोर्ड पहले से ही यहाँ पर सेट है। तो गेम पैड सेट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो गेम है उसको आपको सेट कर लेना है, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है, जैसे आओगे गेम पैचेस का यहाँ पर ऑप्शन होगा मैनेज गेम पैचेस, ठीक है, मैनेज गेम पैचेस यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको वर्जन देख लेना है कौन सा है, जैसे कि मेरा है BCUS 98111, तो उसे आपको मैच कर लेना है, बाकी यहाँ से आप और भी गेम वगैरह कर सकते हो। अगर पैचेस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर इंटरनेट को कनेक्ट करना, डाउनलोड लेटेस्ट पैचेस पर क्लिक करना, जैसे करोगे यहाँ पर पैचेस आ जाएगा और आपको अपना जो गॉड ऑफ वॉर का नंबर है उसे मैच करना है और सारे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। सारे मैंने यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद आपको यहाँ पर इसे अप्लाई और सेव कर देना है। मैं फिलहाल अप्लाई कर चुका हूं, तो उससे कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप गेम पर आपको राइट क्लिक करके चाहो तो यहां से डायरेक्ट आप प्ले कर सकते हो, बाकी बूट विद कस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां पर करने वाला हूं। तो यहां पर सिंपली कुछ इस तरीके से आपका जो है वो लोडिंग होगी, थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको। तो देख सकते हैं फाइनली गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है, और अभी 54 के आसपास जनरली ओपनिंग स्क्रीन पर इतना ही रहता है। तो चलते हैं गेम प्ले में, तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा गेम खेल के रखा है तो मैं लोड पर चलता हूँ धीरे धीरे करके। और हेडेस थ्रोन रूम का यार मैं खेल रहा हूँ, तो वहीं का मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो फाइनली गेम स्टार्ट हो चुका है, अभी देख सकते हो अराउंड 55-53 के आसपास FPS आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग है प्लेबल यहाँ पर, आराम से अगर और अच्छे FPS होंगे, सॉरी आपके स्पेक्स होंगे, तो आप आराम से जो है इस गेम को बढ़िया से एंजॉय कर पाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा है, देख रहे हो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बाकी अगर पूरा गेम प्ले देखना चाहते हो तो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ साथ कार्ड्स में भी दे दूंगा, आप जरूर से उसको देख लेना। फिलहाल आप देख लो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हो अच्छे खासे 50-60 FPS मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो 40 तक की यहाँ पर चला जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर गेम प्ले को क्लोज कर देता हूँ,
तो गेम प्ले यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया है और इस तरीके से आप देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि RPCS3 को किस तरीके से आपको सेटअप करना है, फर्मवेयर इंस्टॉल करना है, गेम कैसे ऐड करना है, पैचेस कैसे अप्लाई करने हैं, पैड्स कैसे ऐड करना है, सब कुछ ऑल टोटल 2024 में मैंने आपको बता दिया है। बाकी डाउनलोड के बारे में नहीं बता पाया हूं, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो ग्रुप भी ज्वाइन करना। काफी सारे बंदे जो है वो गॉडवर 3 वाली वीडियो देखकर चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर जो है रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ग्रुप पे ही आप ज्वाइन करना। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।